हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम कन्वर्ट करना सीखेंगे किलो लीटर्स को लीटर्स में एंड लीटर्स को किलो लीटर्स में। ओके, अब कन्वर्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने किलो लीटर्स जो है लीटर्स के इक्वल है या कितने लीटर्स जो है किलो लीटर्स के इक्वल है ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट करेंगे कि किलो लीटर्स एंड लीटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद ही हम जो है इजीली जो है कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। अब ये जो किलो लीटर है एंड लीटर है, ये दोनों किसकी यूनिट है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की। सो अब मैंने जो एक टेबल बनाई जिसमें मैंने जो है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की जो है सारी यूनिट्स जो है लिख दी। लाइक फर्स्ट यूनिट किलो लीटर, ये सबसे बिगेस्ट यूनिट है। फिर उसके बाद हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैपेसिटी की वो क्या होती है, लीटर। ओके, और यह है इन यूनिट्स की प्लेस वैल्यू। लाइक किलो लीटर की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, हेक्टोलीटर की 100, डेकालीटर की 10, लीटर की 1, डेसीलीटर की 10th, सेंटीलीटर की 100, मिलीलीटर की 1000। अब अगर हम ये सारी मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की यूनिट्स की अगर प्लेस वैल्यू को अगर ध्यान से देखें, तो जैसे ही यूनिट जो है अगर राइट हैंड साइड जो है मूव कर रही है, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स क्या हो रही है, कम हो रही है ना। अगर हम देखें 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1, सो जैसे ही हम राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, सो जो यूनिट है वो क्या हो रही है, 10 टाइम्स स्मॉलर हो रही है। कैसे, देखो जैसे 1000 है, अब 10 टाइम्स स्मॉलर करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे, सो क्या आ गया, 100 है ना। अब 100 आ गया, अब 100 को 10 टाइम्स और स्मॉलर करेंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 को और 10 टाइम्स स्मॉलर करेंगे तो क्या आ गया, 1। अब 1 को और 10 टाइम्स स्मॉलर करेंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से तो आ गया 10th। अब 10th को और 10 टाइम्स स्मॉलर करेंगे मींस डिवाइड और 10 से करेंगे तो 10 और 10 कितना हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे। और फिर अगर और 10th मतलब कि और 10 टाइम्स अगर स्मॉलर करेंगे तो और 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 और 10 कितना हो गया, लाइक 100 में हमारे पास कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज, और एक और 10 करेंगे डिवाइड, सो कितना आ गया, 1/1000। सो जैसे ही यूनिट जो है राइट हैंड, अगर हम देखें राइट हैंड साइड अगर मूव हो रही हैं, सो जो यूनिट्स हैं वो जो है 10 टाइम्स क्या हो रही हैं, स्मॉलर हो रही है ना। और यही अगर हम अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव करें, सो जो यूनिट्स हैं वो 10 टाइम्स क्या हो रही हैं, ग्रेटर हो रही हैं। अब देखो कैसे, जैसे 1/1000 है, अब 10 टाइम्स ग्रेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 1/100 आ गया। अब 10 टाइम्स हमें क्या करना है, ग्रेटर करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो जीरो से जीरो कैंसिल, क्या आ गया, 1/10। अब फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, सो जीरो से जीरो कैंसिल, आ गया 1। अब 1 में मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आएगा 10। अब 10 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100। और 100 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000 है ना। सो अगर हम राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो यूनिट्स क्या हो रही है, 10 टाइम्स स्मॉलर हो रही हैं। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, सो जो यूनिट्स हैं वो क्या हो रही है, 10 टाइम्स बिगर हो रही हैं। सो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसके बीच में, किलो लीटर एंड लीटर्स के बीच में। अभी हमने पढ़ा कि जब हम राइट हैंड साइड को अगर मूव कर रहे हैं, सो जो यूनिट्स हैं वो क्या हो रही है, 10 टाइम्स स्मॉलर हो रही है ना। पर अगर हमें अगर किलो लीटर और हेक्टो लीटर को दोनों को अगर इक्वल करना हो, लाइक किलो लीटर की प्लेस वैल्यू है 1000 और हेक्टो लीटर की है 100, सो अगर 1000 को 100 इसकी अगर इक्वल करना हो, तो अगर मैं इधर 10 मल्टीप्लाई कर लूँ, लाइक इधर है 1000 और इधर है 100 है ना, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वल आ जाएगा ना, 1000 आ जाएगा। सो किलो लीटर को अगर हेक्टो लीटर के अगर इक्वल करना है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई नंबर से इन क्यों नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जब भी हम राइट हैंड साइड मूव करें या लेफ्ट हैंड साइड मूव करें, अगर हम राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो यूनिट जो है 10 टाइम्स क्या हो रही है, स्मॉलर हो रही है, और लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो 10 टाइम्स क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है। तो 10 टाइम्स हो रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10। और इसी तरीके से देखो, हेक्टोलीटर को डेकालीटर के इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, और फिर डेकालीटर को लीटर के इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। सो इसलिए किलोलीटर को अगर लीटर के इक्वल करना है तो हम कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1, 2, 3 टाइम्स जो है 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो देखो, 1, 2, 3 मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो इसका मतलब कि 1 किलोलीटर किसके इक्वल हो गया, 1000 लीटर के, है ना। और आप वैसे भी देख सकते हो कि देखो यहाँ पे किलोलीटर की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है, और लीटर की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। किलोलीटर की प्लेस वैल्यू है 1000 और लीटर की प्लेस वैल्यू है 1। सो इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1000 से, तभी आएगा। तो इसीलिए जो है 1 किलोलीटर किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10, है ना। अब 1 लीटर किसके इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाय 10 मीन्स हमने किससे डिवाइड किया, 1000 से, है ना। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। आप जो है प्लेस वैल्यू से भी देख सकते हो कि जो लीटर है वो क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, होल। और किलो लीटर की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, है ना। सो अगर हम 1000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, लाइक 1000 को 1000 से अगर मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, है ना। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 लीटर के। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। ओके, सो ये रिलेशनशिप है किलोलीटर एंड लीटर्स में। सो अब हमें रिलेशनशिप पता लग गया, अब हम जो है इजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हमें जो है 7 किलोलीटर्स को जो है लीटर्स में जो है कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 किलोलीटर किसके इक्वल है, 1000 लीटर के। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। अब इधर मल्टीप्लाई बाय 7 किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 7 जो है करेंगे। सो देखो, 3 जीरोस एज इट इज, और 1 7 7। सो 7 किलोलीटर इज इक्वल टू 7000 लीटर, है ना, इजी। अब हमें जो है 2 किलोलीटर 425 लीटर्स को जो है लीटर्स में कन्वर्ट जो है करना है। अब आप देखो यहाँ पे 2 किलोलीटर है और यहाँ पे 425 लीटर। सो 2 किलोलीटर को हम जो है सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं लीटर्स में। अब हमें पता है कि 1 किलोलीटर किसके इक्वल है, 1000 लीटर के। सो 2 किलोलीटर किसके इक्वल हो गया, 2 × 1000 लीटर मीन्स 2000 लीटर्स। सो 2 किलोलीटर इक्वल हो गया 2000 लीटर्स के। अब 425 लीटर्स, ये तो ऑलरेडी ही लीटर्स में है। सो फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2000 लीटर्स में ऐड कर देंगे किसको, 425 लीटर्स को। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2425 लीटर्स। अब हमें जो है 58000 लीटर्स को जो है किलो लीटर्स में जो है कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 लीटर किसके इक्वल है, 1/1000 किलो लीटर के। ओके, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 58000 है, तो हम क्या करेंगे, 58000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 1 को मल्टीप्लाई किया 58000 से, तो आ गया 58000 डिवाइडेड बाय 1000 किलो लीटर।
अब हम कैंसिल भी कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक 30 से 30 कैंसिल, सो 58 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर आएगा, 58 ही, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा ना, क्वेश्चन तो वही आएगा। सो हमारा आंसर आ गया 58 किलो लीट। ओके, अब हमें जो है 8888 लीटर्स को जो है किलो लीटर्स में जो है कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 लीटर किसके इक्वल है, 1/1000 किलो लीटर के। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8888 लीटर्स, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 1000 किलो लीटर, ठीक है। अब इस केस में जो है हम जो डिवाइड करके देखते हैं, देखो 1000 है और किसको डिवाइड करना है, 8888 को। अब 1000 की टेबल में 8888 तो नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 8000 आता है, कब आता है, 8 पे, सो 8000 आ गया। अब माइनस करेंगे, सो 8 माइनस 0 8 8 माइनस 0 8 8 माइनस 0 8 8 माइनस 8 0। सो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 किलो लीटर, पर यहाँ पे जो है रिमाइंडर भी बच रहा है, तो जो बच गया वो ऑलरेडी जिस यूनिट में था उसमें ही क्या रहेगा, उसमें ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो जो है डिवाइड नहीं हुआ, वो तो बच गया। सो 8888 लीटर जो है हमारा एज इट इज़ जो है लीटर में ही जो है रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक शॉर्टकट सीखेंगे कि हमें जो है ये डिवाइड ना करना पड़े, हमें डिवाइड ना करना पड़े और हमारा डायरेक्ट आंसर जो है आ जाए। सो इसका शॉर्टकट क्या है कि देखो 1000 में हमारे पास कितनी जीरोज है, 3 जीरोज है, 1, 2 and 3, है ना। सो जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, जैसे हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, तो इसकी लास्ट की 3 digits मतलब कि 888 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और जो बचा वो क्या होगा, क्वेश्चन। सो 8 किलोलीटर एंड 8888 लीटर जो है हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 8 किलोलीटर 888 लीटर। ओके, सो इस तरीके से हम जो है किलोलीटर्स को लीटर्स में एंड लीटर्स को किलोलीटर्स में जो है कन्वर्ट करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।